वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्ट करो। सो आज मैं आपको एक बेहद प्राइम लोकेशन पर लेकर आई हूँ। अगर आप देख सकते हैं, अगर इसकी फैसिलिटीज़ की बात करें, हमें यहाँ पे क्लब हाउस मिल रहा है, स्विमिंग पूल मिल रहा है और ओपन थिएटर मिल रहा है विद यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड भी हमें अवेलेबल मिल रहा है और ये पार्क मिल रहा है जहाँ पे आप इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक अपनी कर सकते हैं। और यहाँ पे शॉप्स भी अवेलेबल हैं, कुछ भी अर्जेंट स्टफ लेना हो तो यहाँ पे शॉप्स आप देख सकते हैं अवेलेबल है, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल रही हैं। सो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको दी गई हैं। सो इस फैसिलिटीज़ को लेने के लिए आप प्लीज़ इन्वेस्ट कीजिए सही जगह पे। हेलो गाइस, आज मैं आपको लेके आई हूँ 4 BHK फ्लैट में का होम टूर करवाने, जिसका एरिया है 2530 स्क्वायर फीट। आइए मेरे साथ। ये है इसका स्मार्ट लॉक। सो यहाँ पे आपको स्टील का गेट दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दिया गया है। और यहाँ पे आपकी हर एक सिक्योरिटी का मतलब बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ड्राइंग रूम विद डाइनिंग टेबल एरिया भी साथ में दिया गया है। और सबसे इसके मतलब एक बहुत ही अच्छी खासियत बात है कि यहाँ पे आपको टच बटन दिए गए हैं और ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ है, बहुत यूनिक चीज़ है जो कि बहुत कम फ्लैट्स में देखी गई है। और ये देखिए, यहाँ पे हमें 6 पीपल्स की यहाँ पे सेटिंग दी गई है। और ये हमारा पूजा घर, एज आप इसको पूजा घर भी यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छे तरीके का कर्टन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके का मतलब मेंटेन किया गया है एरिया, काफ़ी खुला एरिया है। और आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉल सीलिंग दी गई है, ये अटैच्ड रहेगी आपकी। एंड नेक्स्ट वन इज किचन एरिया। सो किचन एरिया काफ़ी खुला है, आराम से यहाँ पे 4-5 लोग मतलब रह सकते हैं। और किचन एरिया की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी गई है किचन एरिया में, लाइटिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। और यहाँ पे आप किचन एरिया में आपके स्टोरेज का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है, काफ़ी स्टोरेज दी गई है किचन एरिया में। और इनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, बहुत ही स्मूथ है। और यहाँ पे आपको वॉशिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, ये आपका साउंड प्रूफ रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी काफ़ी बर्डन उसमें। और ये हमारा, और नेक्स्ट वन इज इसके नीचे की हमारी मतलब टाइल्स की बात करें, टाइल्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है, ये देख सकते हैं। और इस साइड भी आपको स्पेस दी गई है और नीचे के एरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेस दी गई है। तो आपको स्पेस की दिक्कत की मतलब कि कोई भी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, स्पेस काफ़ी दी गई है। और नेक्स्ट वन इज़ ये हमारा है बार एरिया, ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। बार एरिया के साथ यहाँ पे सिटिंग एरिया भी दिया गया है जिसका बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने ध्यान रखा गया है, सिटिंग एरिया भी है यहाँ पे। और यहाँ पे ओवन एंड माइक्रोवेव एंड उसके साथ भी यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है। सो नेक्स्ट वन इज हमें यहाँ पे डाइनिंग टेबल के साथ बालकनी भी मिल जाएगी जो कि एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टफन डोर के साथ है विद साउंड प्रूफ ग्लासेस। सो प्लीज कम, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा बालकनी एरिया जो कि काफ़ी खुला है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेशन कर सकते हैं, ग्रीनरी अपने अकॉर्डिंग पूरी मैनेज कर सकते हैं। बालकनी एरिया काफ़ी हमें खुला दिया गया है और यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। सो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट वन, सो ये आपको डाइनिंग टेबल के साथ भी बाहर का व्यू दिख सकता है। एंड मूव ऑन द नेक्स्ट वन इज फैमिली लॉन्च। ये हमारा फैमिली लॉन्च है जहाँ पे आप गेट टुगेदर कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, कोई पार्टी हो या कोई मूवी
भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा एरिया है। और यहाँ पे आपका बार एरिया भी दिया गया है अगेन, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन है, काफ़ी खुला है, काफ़ी क्लासिक है ये, और देखने में ही बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सो ये चीज़ भी इसकी काफ़ी सुंदर है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट वन इज़, ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। इसका आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से इसका कलर कॉम्बिनेशन है, और इसके वॉलपेपर काफ़ी क्लासिक से दिए गए हैं आपको, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये। लाइटिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, और नीचे का एरिया भी आप देख सकते हैं कितना क्लासिक सा लग रहा है, मतलब हर एक चीज़ वॉलपेपर टू आपका वॉल, हर एक चीज़ मेंटेन की गई है। ये आपका LED है जो कि आप देख रहे हैं, ये भी काफ़ी क्लासिक है। और बेड आप देख सकते हैं, इसका भी वॉलपेपर से काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है इसको भी, और हर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर भी बालकनी एरिया दिया गया है, जो कि आप अपनी मॉर्निंग की टी इंजॉय कर सकते हैं, विद अगेन टफन ग्लास एंड साउंड प्रूफ ग्लासेस। ये देखिए कितना खुला एरिया है यहाँ पे आपका, समर्स विंटर दोनों के लिए ये काफ़ी खूबसूरत एरिया दिया गया है। यहाँ पे आप अपनी ग्रीनरी अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज़ डेकोरेट कर सकते हैं, तो ये यहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है। नेक्स्ट वन इज वॉशरूम। वॉशरूम आपका अटैच रहेगा, और वॉशरूम ऑटोमेटिक है, लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। और यहाँ पे आपको मिरर दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छी, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स फोटोज रेडी होके क्लिक कर सकते हैं। और मिरर के साथ ही यहाँ पे आपको वार्डरोब दिया गया है विद लाइट्स, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी दी गई है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस के साथ आपको वार्डरोब दिया गया है, इसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी अपने कपड़ों को रखने में। और ये है आपका वॉशरूम एरिया। वॉशरूम एरिया में जो मिरर है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई गई है कि ये एक्चुअली लाइट्स के साथ मिरर दिया गया है, सेल्फी के लिए काफ़ी ईजिली आप क्लिक कर सकते हैं। और वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, जो इसकी क्वालिटी की बात करें तो जैक्वार की इसमें मतलब की क्वालिटी दी गई है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी दी गई है, तो उसकी आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। नाउ मूव ऑन टू सेकंड बेडरूम, प्लीज़ कम विद मी। ये सेकंड बेडरूम के एंट्री पे आपको मिरर दिया गया है, मिरर के साथ आपको एक स्पेस दी गई है जहाँ पे आप अपनी ज्वेलरीज, वॉचेस, जो भी आपका स्टफ़ है वो यहाँ पे आप रख सकते हो। सो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है। और इसकी कलर क्वालिटी की बात करें, काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है, ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट है। लाइटिंग की बात करें, वो भी काफ़ी अच्छी हाईलाइट हो रही है रूम में, और अगेन इसकी वॉलपेपर भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है, ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल में दिया गया है। और अगेन यहाँ पे भी आपको एक बालकनी अटैच्ड दिख जाएगी, सेम चीज़ है ये, और विद टफन ग्लास एंड साउंड प्रूफ ग्लासेस। तो बालकनी का काफ़ी तरीके से ध्यान रखा गया है कि उसकी कोई दिक्कत ना आए। अगेन दिस इज़ द बालकनी एरिया, काफ़ी खुला एरिया है, और यहाँ पे बच्चे आराम से खेल सकते हैं, आप अपनी मॉर्निंग टी एंड इवनिंग टी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, विद गेट टुगेदर जो भी आप प्लान करें। एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। सो ये आपका सेकंड बेडरूम है, इसमें भी काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, कलर क्वालिटी इसकी बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है, एक अट्रैक्टिव कलर क्वालिटी बनाई गई है। और ये आपका स्टोरेज एरिया, अगेन से ये काफ़ी मेंटेन किया गया है, काफ़ी खुला एरिया है ये भी, ये देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस की गई है इसमें भी, तो आप आराम से अपने क्लोथ्स इसमें कैरी कर सकते हैं, दो हैं ये आपके। और अगेन वॉशरूम एरिया, सेम थिंग, वॉशरूम एरिया में वही सब चीज़ें हैं, बट इसकी कलर क्वालिटी देखिए, ये कलर क्वालिटी आपके
सेकंड बेडरूम के साथ मैच की गई है। वॉशरूम की टाइल्स आप देख सकते हैं, ब्लू कलर का इसमें काम दिया गया है, अगेन वही HD लाइट्स। एंड ये आपके फैमिली लॉन्च के साथ वॉशरूम अटैच है विद सेकंड बेडरूम एंड फैमिली लॉन्च का एक ही जो वॉशरूम बीच में अटैच्ड है। सो ये चीज़ भी इसके लिए आपका, जैसे कि फैमिली गेट टुगेदर होता है, आपको वॉशरूम के लिए कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल अटैच्ड है सेकंड के साथ। सो नेक्स्ट मूव ऑन इज थर्ड वन, ये आपका थर्ड बेडरूम रहेगा। अगेन वही कलर क्वालिटी की बात करें, वो इसमें भी काफ़ी अच्छी दी गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही क्लासिक तरीके से इसे मेंटेन किया है। वुडन का काम है जो अलमीराज पे, वो देखिए ये एक अलग डिज़ाइन दिया गया है, ये इसमें आपको देखें एक डिफरेंट डिज़ाइन है। और अगेन आपको स्टोरेज की कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप आराम से अपने हर एक क्लोथ्स, हर एक चीज़ आप स्टोरेज कर सकते हैं विद HD लाइट्स। ये लाइट्स आप देख सकते हैं। और ये है अगेन, ये है आपका मिरर। इसकी एक खास बात ये है कि इसमें आपको स्टोरेज दी गई है, ये आपके एक प्लस पॉइंट है, मिरर्स में स्टोरेज नहीं होती है, इसमें आपको स्टोरेज दी गई है, ये काफ़ी अच्छी बात है। स्टोरेज के लिए आपको एक अलग से कोई चीज़ मतलब स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको इसी में ही दी गई है। सो ये आपका, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे मूवी देख सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे भी आपको जो लाइट्स है वो टच वाली लाइट्स दी गई हैं ऑटोमेटिकली, जो आप ऐसे टच करते हैं, बटन्स का इसमें कोई वो काम नहीं दिया गया है। एंड अगेन वॉशरूम यहाँ का आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कलर दिया गया है, हर एक रूम जो रूम का कॉम्बिनेशन वॉशरूम के साथ सिमिलर सा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके मतलब काफ़ी अच्छा वो रिप्रेजेंट होता है अपने आप में ही। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, ये हमारा था थर्ड बेडरूम। एंड थर्ड बेडरूम के साथ आपको बालकनी, सेम इसमें भी आपको बालकनी दी गई है, आप देख सकते हैं वही स्पेस दी गई है जो सब में है। स्पेस की आपको कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचिए कि हाँ स्पेस कम है, इसमें भी आपको सेम स्पेस दी गई है आप। और ये बालकनी जो जितने मैंने आपको रूम्स दिखाए हैं उन सब के साथ ये बालकनी अटैच्ड है। सो ये आपके प्लस, आप ये देख सकते हैं बालकनी कितनी ज़्यादा खुली है, जैसे आपके फैमिली में पार्टीज होती है, गेट टुगेदर, तो आप आराम से ये स्पेस आपके काम आ सकती है। और ग्रीनरी की बात करें वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, इसमें ग्रीनरी की कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, और एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको ग्रीनरी होना ही एक बहुत अपने आप में अच्छी चीज़ है। सो मूव ऑन टू फोर्थ बेडरूम, जिसे आप गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। सो प्लीज़ कम, यहाँ पे देखिए वही चीज़, वही क्लासिक चीज़ आप देख सकते हैं। इसकी ये काफ़ी मटीरियल काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, जब इस पर लाइट पड़ती है कितना क्लासिक लुक आ रहा है इसका, और इसे आप अपना गेस्ट रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आपको वार्डरोब दिए गए हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है वार्डरोब में विद HD लाइट्स, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस के साथ आपको वार्डरोब दिए गए हैं, दोनों साइड है ये, लेफ्ट एंड राइट साइड। और यहाँ पे ड्रॉर्स भी दिए गए हैं, या आप इसमें अपना छोटा मोटा सामान जो भी है आप रख सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आपको मिरर दिया गया है विद योर पर्सनल स्पेस, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, और नीचे भी दो वॉलपेपर दिए गए हैं। और इन दो चीज़ों का देखिए कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है, जब लाइट पड़ती है काफ़ी लुक, शाइनी लुक देता है, काफ़ी क्लासिक लुक देता है। एंड मूव ऑन टू वॉशरूम, वॉशरूम आपको यहाँ पे सेम वॉशरूम में वही चीज़ दी गई है, बट ये है कि इसको और बेडरूम का कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा गया है। एंड लाइट्स, HD लाइट्स भी दी गई है, यहाँ पे भी आपको स्पेस दी गई है, स्पेस का भी इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखा है, स्पेस दी गई है। और इसकी फिनिशिंग देखिए काफ़ी क्लासिक तरह से फिनिशिंग दी गई है, काफ़ी शाइनी है जब लाइट्स इस पर जाती है, और काफ़ी इस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मूव ऑन टू बालकनी, इसकी बाल ये फोर्थ जो हमारा बेडरूम है, इसकी बालकनी थोड़ी सेपरेट दी गई है,
आप देख सकते हैं, फिर भी इसमें बालकनी का काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है जो आपके स्पेस को इफेक्ट नहीं करता। बालकनी पूरे वैसे फोर्थ के फोर्थ बेडरूम्स में बालकनी है, पर यहाँ पे भी आपको बालकनी दी गई है और यहाँ पे आप अपने ग्रीनरी भी मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पे आप मॉर्निंग एंड इवनिंग टी भी अपनी इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा 4 BHK का फ्लैट, जो अगर इसकी लोकेशन की बात करें, ये आपको पटियाला एंड चंडीगढ़ हाईवे पे इसकी लोकेशन आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है इससे रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन पे वो पोस्ट कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। और नेक्स्ट मूव ऑन इज सही जगह सही इन्वेस्ट करो। थैंक यू।